जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आप देख रहे हैं टेक्निकल बोली। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इन दोनों डायनामिक माइक की। पहला जो माइक है ये अहूजा का 98 XLR माइक है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माइक है ये, डायनेमिक माइक है। ऐसा शायद कोई ही म्यूजिशियन हो या कोई भी साउंड या डीजे वाला हो जिसके पास ये माइक ना मिले। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी माइक है। करीब 1200 से 1500 के बीच में दोनों ही माइक आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी ये प्रोवाइड कर देते हैं अपनी प्राइस के हिसाब से। मेरा जो ये रूम है जिसमें मैं ये वीडियो शूट करता हूँ, ये जो स्टूडियो है इसमें जो है साउंड प्रूफिंग नहीं हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करता है जो कंडेंसर माइक होता है। उसकी बजाय ये डायनेमिक माइक काफ़ी बढ़िया रहते हैं अगर आपके जो रूम है पूरी तरह से साउंड प्रूफिंग उसमें नहीं हुई है। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले अहूजा के 98 XLR की अनबॉक्सिंग करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कुछ इस तरह की पैकिंग हमको देखने को मिल जाती है। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है और बॉक्स की जो पैकिंग है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये देखिए चारों तरफ से जो बॉक्स है पिचका हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्या हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है। ये देखिए सबसे पहले देखने को मिलता है हमको ये पाउच जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आप अपने माइक को कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और अहूजा की तरफ से ही मिलती है हमको ये करीब 5 मीटर के आसपास ये केबल है, शायद 5-6 मीटर के आसपास ये केबल होगी। और केबल की क्वालिटी जैसा कि अहूजा का माइक की क्वालिटी में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो उसी तरह से ये केबल है, काफ़ी सॉलिड केबल है। ये देखिए चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में। और ये हमें देखने को मिल जाता है इसमें माइक का माउंट। अहूजा जो है फेमस है अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए, तो वैसी ही क्वालिटी हमें इसमें भी देखने को मिल जाती है। चलिए इसको भी रख देते हैं साइड में। फाइनली बॉक्स में हमको मिल जाता है ये माइक। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। ये देखिए कुछ इस तरह का माइक जो है हमको देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, काफ़ी छोटा माइक है, आप देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कितना बड़ा ये माइक है। मेटल की इसमें ग्रिल दी गई है। चलिए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की क्वालिटी हमको देखने में मिल जाती है। ये देखिए चलिए इसको लगा देते हैं। ये देखिए ऑन ऑफ बटन भी इसमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा काम का होता है ये ऑन ऑफ बटन। जब आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो ये बटन जो है, ये स्विच जो है, काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ये देखिए बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, मीडियम वेट है, करीब 350-400 ग्राम के आसपास इसका वजन होना चाहिए, तो काफ़ी बढ़िया है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की ग्रिप इसमें देखने को मिल जाती है। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। देखिए दूसरा जो माइक है हमारा वोल्ट की तरफ से आता है, DCM77S, और काफ़ी बढ़िया माइक है ये भी। चलिए इसकी भी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखिए इसमें भी हमें एक XLR to XLR केबल मिल जाती है। ये भी करीब 5 मीटर के आसपास केबल मुझे लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया केबल है ये भी। और हमें बॉक्स में मिल जाता है एक माइक और ये एक यूज़र मैनुअल। और इसमें हमें कोई भी माउंट नहीं मिलता है इस माइक को लगाने के लिए। कुछ इस तरह की पैकिंग हमको देखने मिल जाती है माइक की, बहुत बढ़िया। वोल्ट का DCM77 ये माइक है, ये भी करीब 1200 से 1500 रुपये की रेंज में आ जाता है। देखिए XLR पिन यहाँ पर दी गई है। अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, थोड़ा सा जो अहूजा के माइक से थोड़ा सा हैवी है ये, और अहूजा से जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखाई दे रहा है, जो इसकी मैच है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चलिए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी हमें मिल जाती है। ये देखिए इसकी जो ग्रिल है इसके अंदर भी हमें पॉप फिल्टर दिया गया है। आपको ऊपर से अलग से जो पॉप फिल्टर होता है, जो फोम होता है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको भी कर देते हैं पैक। इसमें भी हमें ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाता है, जो अगेन काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ये देखिए कुछ दोनों माइक जो हैं इस तरह के हैं, ये आप देख सकते हैं। साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, अहूजा का माइक जो है थोड़ा सा छोटा है, वोल्ट का जो माइक है थोड़ा सा बड़ा है। क्वालिटी वाइज दोनों ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। थोड़ी सी प्रीमियमनेस जो है वोल्ट के माइक में ज़्यादा है। अहूजा का माइक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ये इंडियन प्रोडक्ट है,
चलिए दोनों ही माइक का बारी बारी से करते हैं साउंड टेस्ट, जिससे आपको भी एक आइडिया लग जाए कि ये माइक क्या क्वालिटी देते हैं और कैसे ये माइक होने वाले हैं। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ सेटअप और फिर आपके पास आता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जेके और आप देख रहे हैं टेक्निकल बोली। दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो आहूजा के 98XLR माइक से सुन रहे हैं। मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह की आवाज़ आपको आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी ही आवाज़ आ रही होगी। चलिए अब मैं स्विच करता हूँ वोल्ट के DCM77 माइक को, जिससे कि आपको क्लियर एक आइडिया मिल जाएगा कि दोनों माइक में किसकी जो आवाज़ है, किसका जो साउंड है ज़्यादा बढ़िया है। चलिए मैं करता हूँ स्विच। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम जेके और आप देख रहे हैं टेक्निकल बोली। दोस्तों अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वोल्ट के DCM77S माइक से सुन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह की साउंड क्वालिटी या वॉइस क्वालिटी आपको इसमें सुनने को मिल रही होगी। तो ये दोनों ही माइक जो हैं एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, करीब 1200 से 1500 रुपये की रेंज में आ जाते हैं। चाहे आप सिंगिंग करना चाहते हैं, चाहे आप कोई लाइव परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, चाहे आपको किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शौक हो तो आप उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यूट्यूब सेटअप के लिए भी अगर आप कोई माइक लेने की सोच रहे हैं तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ऐसे ही कुछ काम की वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टेक्निकल बोली। जय हिंद दोस्तों।